आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.3 करेंगे, जिसके अंतर्गत पहले प्रश्न देखिए यहाँ सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक को सिद्ध करना है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न हमने लिखा है। तो इसमें लिखा देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 4 है ना, ये बाएँ पक्ष में है, ये हमको हल करना है। और दाएँ पक्ष में जो लिखा है -1/2 ये हमें लाना है। तो देखिए इसके लिए हमको ये क्या होना चाहिए, सबका मान ज्ञात होना चाहिए। ये है 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक ना। तो इसलिए आप पहले उस टेबल को अच्छी तरह से याद करिए, जिस पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 0 से लेकर, इसके पहले हमने जैसे इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया है, 0 से लेकर 2π तक का सबका मान हमने लिखा और याद करवाया है। उसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्नावली को हल करने के लिए। तो देखिए इसमें है, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 का मतलब 30 है ना, तो साइन 30 का मान चाहिए। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस है इसका पाई बाय 3 मतलब 60 का मान। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसका वर्ग लगा लेंगे, माइनस ये देखिए 45 का मान, तो टेन 45 और कॉट 45 हमने बताया था उसका 1 होता है, ठीक ना। तो ये 1 लिख लिया और यहाँ लिख लेंगे हम लोग बायां पक्ष, ठीक ना। तो ये बायां पक्ष लिख लेंगे, तो बायां पक्ष में हमने इसको, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1, इसको हल कर लेंगे। देखिए 1/4 2/4 हो जाएगा, 2/4 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो इसका आंसर देखिए -1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको आया क्या, ये है दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ये हो गया। देखिए सिद्ध करना था तो हम लिखेंगे इसको इति सिद्धम, ठीक ना, कि मतलब ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 2 sin² π/6 प्लस ये है कॉसेक स्क्वायर 7π/6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर 3/2 हमको लाना है, ठीक ना। तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉस 60 का मान हमको अच्छी तरह से याद है, 30 का भी मान है। देखिए इसको 7π/6 लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ हल कर लेते हैं, तो ये लिखा है कॉसेक 7π/6 लिखा है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक ना, 6 + 6 = 7, तो ये 7π/6 हो गया। अब देखिए कॉसेक और ये पाई लिखा है, पाई का मतलब 180 है ना। देखिए ये रहा 0π/2 π और 3π/2, ठीक ना। तो ये पाई प्लस है, मतलब हम तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो पाई में देखिए हमने बताया है फलन बदलता नहीं है, तो कॉस का ये कॉस ही रहेगा, ठीक ना। देखिए इस तरह बदलने में कोई परेशानी है तो आप इसका पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। तो पाई पर ये फलन नहीं बदलता, तो इसलिए कॉसेक का कॉसेक ही है। और देखिए हम इसमें आ रहे हैं, ये पाई बाय 6 लिख लिया, ठीक ना, कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 बराबर कॉसेक पाई बाय 6। और देखिए कॉसेक ये तीसरे चतुर्थांश में, चूँकि ये कॉसेक माइनस में होता है, ठीक ना, ये भी हमने बताया है, ऑल साइन टेन और कॉस है ना, कॉस का मतलब ये सेक भी होगा प्लस में और ये कॉट भी होगा प्लस में और ये कॉसेक भी होगा प्लस में, ठीक ना। तो कॉसेक देखिए यहाँ पर बाकी इन सबको छोड़कर माइनस में होता है, इसलिए माइनस में हो गया। अब हम कॉसेक पाई बाय 6 का मान ज्ञात कर सकते हैं,
देखिए कौशिक का मतलब हमको पहले साइन थर्टी लिखा है, तो 30 का मान ज्ञात कर लें। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो अब हमको कौशिक चाहिए, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, इसलिए 1/2 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमको 2/1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम यहाँ इसका मान रख देंगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, 2 sin² π/6 मतलब 30। तो 30 का मान कितना हो जाएगा? साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस, और इसका मान देखिए इतना हम लिख लेंगे पहले, या तो सीधे मान रख लेते हैं, -2 आया है ये, -2 का स्क्वायर और गुणे में है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो ये हो गया बायां पक्ष। हल करते हैं, देखिए 3/2 आना चाहिए, तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 1/4, है ना, 2 का वर्ग 4। तो इस प्रकार 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 4, 4 × 4। तो देखिए यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, 1/2 आया है प्लस, देखिए पूरा जीरो नहीं हुआ है, ये 1 प्राप्त है यहाँ, ठीक ना। इसको 1 लिखिएगा तो जगह 2 × 2 = 3, तो इस प्रकार 3/2 प्राप्त हो गया, देखिए आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष, ठीक ना, बायां पक्ष लेके चले थे, हमको ये दायां पक्ष प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आ गया। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम, तो ये हल हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है लिखा, इसमें cot² π/6 प्लस cosec² (5π/6) प्लस 3 tan² π/6 को बराबर हमको 6 की प्रूफ करना है। तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में देखिए cot 30 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए cot 30 का मान के लिए हमको पहले cot का व्युत्क्रम sin 10 होता है, तो हम 10 का ज्ञात करते हैं। तो देखिए tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3 होता है, ठीक ना। देखिए इसमें आपको इसका मान बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया साइन 30 का मान, ये हो गया, तो कॉट का होता है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे करणी 3, है ना, करणी 1/√3 का करणी 3/1 हो जाएगा, तो करणी 3 लिख लिया का वर्ग प्लस कॉस, देखिए इसको भी हम यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए कौशेक 5π/6 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec, इसको लिखेंगे π − π/6, है ना, 6 × 6, 6 × 1 हुआ तो 5π आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हम पाई में से माइनस कर रहे हैं, तो हम दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, तो पाई पर कोई त्रिकोणमितीय फलन बदलता नहीं है, तो cosec का cosec ही लिखाएगा, π/6 लिखाया। अब चूंकि ये देखिए हम दूसरे चतुर्थांश में चले गए, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और cosec का मान प्लस में ही रहता है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। तो हम इसके स्थान पर देखिए लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम करके लिख दिखा देंगे, ठीक ना, कि इस प्रकार हमने किया है। तो इसमें हो गया, अब cosec π/30 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 30 है, तो हम इसके लिए पहले sin 30 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए इसका व्युत्क्रम 2 आएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, फिर 3 और ये है tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। देखिए अब हो जाएगा करणी 3 का वर्ग कितना होता है, 3 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 3 × 1/3, ठीक ना, करणी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3, तो 3 × 2 = 5 और 1 = 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको जो प्राप्त करना था वो हमको प्राप्त हो गया।
देखिए 6 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे दायां पक्ष, ठीक ना, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, तो इति सिद्धम, तो ये भी सिद्ध हो गया, प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है, तो इसमें हमको लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष में क्या है, साइन स्क्वायर 3π/4 लिखा है, ठीक है, तो 3π/4 को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3π/4 लिखा है, तो इसको हम बदलेंगे साइन π-π/4, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 में कम हुआ तो 3π/4 आ गया। तो अब देखिए साइन पाई माइनस मतलब दूसरे में ही जा रहे हैं, दूसरे में प्लस ही रहता है, तो इस प्रकार ये साइन पाई बाई ये 4 ही प्राप्त हुआ। और साइन पाई बाई 4 का मान हमको मालूम है कि 1/√2 होता है, और देखिए हमने बताया भी था साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 इन दोनों का मान 1/√2 ही होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2 का वर्ग, ठीक ना, इसको आप यहाँ पर ये देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है ना, इसको ब्रेक किया है तो ब्रेक करके हम दिखाएंगे इसको, इसके आगे यहाँ पर ये लिखा जाता है, चाहे तो आप इसके साथ भी लिख दिए, उससे क्या होगा कि कई स्टेप बढ़ जाएगा हमको, ठीक ना, एक बार इसको लिखेंगे फिर अगली बार इसको लिखेंगे फिर इसके बाद मान रखेंगे तो 2-3 स्टेप बढ़ जाता है, वरना आप इसको यहीं लिख सकते हैं प्लस 2 × देखिए कॉस 45 है, अभी हमने बताया 1/√2 होता है स्क्वायर प्लस 2 × 2 × देखिए sec 60 का मान दिया हुआ है, sec 60 का मतलब होता है आप पहले cos 60 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो cos 60 का मान कितना 1/√2 होता है, तो sec का होगा 2/1, तो 2/1 का मतलब ये हो गया 2 लिख दिया, इसको इधर लिख देंगे, ठीक ना। अब हमको इसको हल करना है, तो देखिए हल करते हैं 2 × 1/√2 प्लस 2 × 1/√2 प्लस 2 × 2 × 4, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्राप्त हुआ, 2 × 2 = 1 प्राप्त हुआ, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, इस प्रकार हमको ये दायां पक्ष प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 4 तक हमको सिद्ध करना था, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में देखिए मान ज्ञात करना है, तो देखिए उसको देखते हैं अब। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, पहले साइन 75 का मान ज्ञात करना है, फिर टेन 15 का ज्ञात करना है, तो देखिए साइन 75 का हमको मालूम तो नहीं, हमको 0, 30, 45, 60, 90, ठीक ना, 180, 270 और 360 पे प्राप्त है, तो देखिए 75 को हम ऐसे डिग्री में तोड़ेंगे या उसको इस प्रकार लिखेंगे ताकि हमको उन डिग्री का मान इस साइन पर प्राप्त हो। देखिए जैसे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 45 + 30 लिख सकते हैं, ठीक ना, 45 का भी मालूम है हमको और 30 का भी मालूम है, अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, तो देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन यक्स प्लस वाई वाला, ठीक ना, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं साइन यक्स प्लस ये वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना, ये सूत्र होता है ये वाला, तो इसको हम इसी पर मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स 45 है और वाई 30 है, तो इस पर रख लें, तो देखिए ये आएगा साइन एक्स, एक्स का मतलब 45, फिर कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30। अब हम इसका मान ज्ञात है तो हम रख लेते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 3/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 × साइन 30 का मान 1/√2 होता है। अब इसको देखिए हल कर लेंगे, इससे हो जाएगा देखिए 3/√2
दो करनी दो प्लस ये हो जाएगा एक बटे दो करनी दो। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो दो करनी दो प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा करनी तीन प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका भी मान ज्ञात हो गया। अब देखिए अगला भाग है टेन पंद्रह का है, तो टेन पंद्रह को देखिए यहाँ कर लेते हैं, यही कर लेते हैं सेकेंड, ये है टेन पंद्रह, तो इसको भी हम ऐसे डिग्री में से के रूप में लिखेंगे जिसका मान हमको टेन में प्राप्त पता हो। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं टेन पैंतालीस माइनस पंद्रह डिग्री, सॉरी तीस डिग्री, ठीक ना। तो पैंतालीस और तीस दोनों का हमको टेन पर प्राप्त है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देखिए यही लिख देते हैं, ये होता है टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई और एक वन माइनस टेन एक्स और टेन वाई। तो ये सूत्र होता है, इस पर रख लेते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखिए रखेंगे टेन पैंतालीस और माइनस पर है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस वाला लिखा था मैंने, हमको सूत्र में माइनस लग रहा है तो हमको मतलब माइनस चाहिए हमको माइनस वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा माइनस है तो लिखेंगे टेन थर्टी बटे वन प्लस टेन पैंतालीस और टेन थर्टी। तो देखिए टेन पैंतालीस का मान एक होता है, टेन थर्टी का मान एक बटे करनी तीन होता है बटे वन प्लस एक गुणे एक बटे करनी तीन। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा करनी तीन एक कम, देखिए ऊपर आ जाएगा करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन बटे, और ये देखिए एक का मतलब ये एक ही हो जाएगा, तो जाएगा करनी तीन प्लस एक बटे करनी तीन। तो देखिए ये करनी तीन कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन प्लस एक आया। अब देखिए इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो परिमेयकरण देखिए यहाँ कर लेते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर में है उसी को लिखते हैं मगर उल्टे सिंबल व्युत्क्रम के संग करते हैं, कंजुकेट के संग करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन प्लस एक गुणे करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन माइनस एक, इस प्रकार लिख लिया। देखिए ऊपर सेम चीज आ गया तो लिखेंगे करनी तीन माइनस एक का होल स्क्वायर बटे, देखिए ये जगह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसको भी लिख देते हैं, इसका सूत्र होता है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये सूत्र होता है। तो देखिए एक बार दो एक ब्रैकेट में दो प्लस में लिखा है और एक ब्रैकेट में यही चीज़ माइनस में लिखा है, इसलिए इसका होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करनी तीन का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस ये वन का स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब इसमें a माइनस बी का एक्स माइनस बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई है ना, ये रहा x और ये रहा y। इसके बाद देखिए तीन का करनी तीन का वर्ग तीन और माइनस एक, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका तीन का ये करनी तीन का तीन हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा और ये हो जाएगा दो करनी तीन बटे तीन में से एक गया दो, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा तीन और एक चार प्लस दो करनी तीन बटे ये दो हो गया, ठीक ना। अब इसमें से दो दो उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा दो, ये हो जाएगा दो प्लस करनी तीन बटे दो। तो इस प्रकार देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ टू प्लस रूट थ्री, तो देखिए ये आया टू प्लस रूट थ्री, ये उत्तर आया, ठीक ना। इसको थोड़ा साफ 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 इधर कर देना चाहिए था, ठीक। तो ये हो गया प्रश्न नंबर पाँच के दोनों भाग हमने कर लिया। अब प्रश्न नंबर छः देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर छः में
देखिए ये इसका बायां पक्ष है और हमको ये दाएं पक्ष में इसको लाना है। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों पदों में कॉस कॉस है और इसमें यहाँ साइन साइन है, ठीक ना, दोनों पदों में साइन साइन है। और देखिए थीटा अगर बात करें, देखिए ये वाला पाई बाय फोर माइनस एक्स यहाँ है, पाई बाय फोर माइनस फोर ये रहा, मतलब अगर एक थीटा ये है तो दूसरा थीटा ये हो गया। इसी प्रकार देखिए यही थीटा यहाँ भी आया है और यही थीटा यहाँ भी आया है। इसका मतलब ये सूत्र लग रहा है, देखिए ये इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही मतलब हुआ, ठीक ना। ये देखिए लिखा हुआ है कॉस 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 साइन साइन, और इसमें ये रहा ये एक्स थीटा ये वाई थीटा। तो देखिए किसका फॉर्मूला है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस ये वाई, ठीक ना, माइनस है तो वहाँ प्लस में आता है, ठीक ना, ये कल हमने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बताया है। तो इसका मतलब इसको हम कॉस एक्स प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कॉस, देखिए एक्स क्या है ये पूरा है, ठीक ना, तो ये लिख देते हैं, देखिए पाई बाय फोर माइनस एक्स ये लिख दिया, प्लस वाई कितना है ये पाई बाय फोर माइनस वाई ये लिख सकते हैं हम, है ना, एक्स प्लस वाई। फिर इसको ओपन हल करते हैं आप, तो देखिए अगर ओपन करेंगे तो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर माइनस वाई, ये पाई बाय फोर मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई फोर, और मतलब कि देखिए 45 45 90 हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू हो जाएगा ये। अब माइनस, और देखिए दोनों कोष्टक माइनस ले रहे हैं हम इसका, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस ये y हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। अब देखिए हमको यहाँ लगेगा साइन सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा हमने एक थीटा ले लिया x प्लस वाई एक थीटा, तो ये क्या सूत्र हो गया कॉस पाई बाई टू है माइनस थीटा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए पाई बाई टू पर हमने बोला था त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, तो ये पहले चतुर्थांश में जा रहा है, पाई बाई टू माइनस वन आ रहा है, माइनस में है, तो ये कॉस का ये साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक ना। तो इसलिए आप इसको इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा कि ये किसका किस में बदलता है। तो देखिए ये हो गया, ये हमारा दाएँ से दाया पक्ष आ गया, तो लिखेंगे हम दाया पक्ष, फिर लास्ट में लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दाया पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 6 हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 7 है जिसका देखिए बायां पक्ष ये है दाया पक्ष ये है, हम इसको बायां पक्ष के रूप ले कर चलेंगे और हमको रहेगा कि दाया पक्ष लाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में देखिए ये रहा टेन एक्स प्लस वाई, हम ना टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र लिखेंगे, यहाँ टेन एक्स माइनस वाई का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए क्या सूत्र होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, और हर जो जो हम सूत्र लगा रहे हैं उसका सूत्र जरूर लिखना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं देखिए टेन एक्स प्लस वाई, इसका सूत्र होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक ना। और जब माइनस का लिखेंगे तो लिखेंगे टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई, और यहाँ पर वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक ना। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला लिख दिए। अब इस पर हम इसको रख के ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स मतलब पाई बाई फोर, और फिर प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन पाई बाई फोर और टेन एक्स, ये हो गया अंश का, और ये हो जाएगा अभी हर का लिखेंगे। तो हर में भी यही चीज़ है, ओपन करते हैं, लिखेंगे टेन पाई बाई फोर माइनस में तो माइनस टेन एक्स बटे
वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स, ठीक ना। तो देखिए पाई बाई फोर पर मान कितना होता है, एक होता है, एक प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस, देखिए ये इसका भी मान एक हो जाएगा तो ये जगह वन लिखा नहीं है हमने, ये हट गया, बटे में ये फिर ये जगह वन माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस ये हो जाएगा टेन एक्स, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या होगा, अगर इस प्रकार लिखा हो, देखिए ऐसे होता है, यदि दो बटे तीन लिखा हो मेन बटा पाँच बटे सात लिखा हो, मतलब अंश में भी भिन्न हो हर में भी भिन्न हो, तो इसका बाहर बाहर गुणा करके ऊपर लिखते हैं तो दो गुणे सात बटे अंदर अंदर गुणा करते हैं तो तीन गुणे पाँच लिखते हैं। इस प्रकार हम इसका भी देखिए लिखते हैं, बाहर बाहर के संग गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा अगर हम इसके संग करेंगे तो सेम चीज़ है, तो इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, तो लिखेंगे वन प्लस टेन एक्स बटे, और ये देखिए अंदर अंदर का, ये बाहर बाहर का हो गया, ये अंदर अंदर का हो जाएगा, अंदर अंदर करेंगे देखिए सेम चीज़ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पर होल स्क्वायर है तो हम इसमें एक ब्रैकेट लगा के पूरा का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो वन प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार ये दायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो लिखेंगे फिर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर सात हल हो गया। अब प्रश्न नंबर आठ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आठ है तो इसमें देखिए लिखा है कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक ना। तो ये हमने बताया है पाई प्लस एक्स इस तरह क्या मान आता है। देखिए इसमें एक बार फिर से हम रिविज़न कर देते हैं। देखिए ये लिखा है ऑल, ये है साइन, टेन कॉस ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, ठीक ना। तो इसमें लिखा है कॉस पाई प्लस, कॉई पाई प्लस मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो ये देखिए कॉस क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। कॉस पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स होगा और तीसरे चतुर्थांश तीसरे में चले जा रहे हैं हम लोग, पाई प्लस में है तो कॉस का मान तीसरे में माइनस में होता है, केवल टेन और कॉट प्लस में होता है, तो ये हमको माइनस में प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए ये क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक ना, बटे में साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब तीसरे में जा रहे हैं और तीसरे में साइन का मान प्लस ही होता है, तो हो गया साइन एक्स, और कॉस 90 प्लस एक्स है तो कॉस का देखिए इस पाई बाय टू, इस पर पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पर त्रिकोणमिति फलन बदल जाते हैं, तो कॉस का हो जाएगा साइन में और एक्स, और देखिए दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान माइनस में होता है तो इसलिए ये माइनस में, देखिए तो यहाँ माइनस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना, इसका माइनस में आ रहा है तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर था तो मैं एक स्क्वायर कर लिया कॉस का, अब ये हम टेन का लिख सकते हैं, अब ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो देखिए सॉरी कॉस का है तो कॉट आ जाएगा, कॉस बटे साइन मतलब कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स, इस प्रकार ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर आठ हल हो गया। अब प्रश्न नंबर नौ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर ये नौ है जिसको हमको ये हल करके हमको एक प्राप्त करना है, तो इसमें देखिए लिखा है ये थ्री पाई बाई टू मतलब 270, ठीक ना, तो 270 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ये देखिए बताया था कॉस का ये साइन में बदल जाता है, ठीक ना, साइन में बदल जाएगा, देखिए ये रहा जीरो पाई बाई टू, ये पाई और थ्री पाई बाई टू, ठीक। तो इसमें देखिए कॉस है, इस पर और इस पर फलन ये बदल जाते हैं, तो कॉस साइन में बदल जाता है, तो साइन लिख लिया। अब देखिए किस में गए हम, चौथे चतुर्थांश में, थ्री पाई बाई टू से आगे मतलब चौथे में है, तो कॉस चौथे में प्लस ही रहता है इसलिए प्लस में इसका मान आया,
अब देखिए कॉस 2π प्लस एक्स है, तो मतलब 360 के बाद फिर वापस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस का कॉस एक्स, है ना, कॉस 2π, 2π, 4π, 6π कुछ भी होता, तो यहाँ पे कॉस का ये जो थीटा था वो इसके साथ लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद है ये कॉट, कॉट 270 प्लस माइनस में है ना, 270 माइनस मतलब तीसरे चतुर्थांश में है, तो कॉट का देखिए कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 10 में बदल जाएगा, 10x, और तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट ही प्लस होते हैं, इसलिए ये प्लस में लिखा, प्लस ये कॉट लिखा है 2π प्लस एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। अब हमको इसमें हल करेंगे, तो देखिए ये साइन और कॉस में लिखा हुआ है, हम इसको भी साइन और कॉस में बदल देंगे, तो 10 क्या होता है, साइन बटे एक्स, साइन बटे कॉस प्लस कॉट इसका उल्टा होता है, तो लिखेंगे कॉस बटे साइन होता है, तो इसके बाद देखिए लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स गुणे, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और इनका गुणा कर देते हैं तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका गुणा इसमें तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल लघुत्तम लिए हैं हम, तो देखिए साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, और ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, ठीक ना, ये सर्वसमिका होती है, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक, है ना, ये सर्वसमिका हो गई, तो इससे ये हो गया, तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, यहाँ हम बायां पक्ष लिख देंगे तो बायां पक्ष हो गया। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 भी हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, साइन साइन कॉस कॉस, ठीक ना, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, देखिए यही एंगल यहाँ लिखा हुआ है, यही एंगल वहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, तो इसमें क्या सूत्र लगेगा, तो देखिए सूत्र में अगर हम लिखना चाहें, देखिए साइन एक्स साइन वाई ये हुआ प्लस, ये प्लस है, फिर लिखा यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये पहले या चाहे इसको बाद में लिखें, तो ये फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का है, ठीक ना, तो ये हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना, ये हम लिखेंगे, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, ये सूत्र है, तो इसमें देखिए क्या बनेगा, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉस और यक्स कितना है, तो देखिए इसको यक्स मान लेते हैं, तो यक्स लिखेंगे एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स, ठीक ना, ये हो गया यक्स माइनस वाई लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो कॉस एक्स इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो एन यक्स प्लस एक्स माइनस एन यक्स माइनस टू एक्स, देखिए ये तो कैंसिल हो गया और एक में से दो गया, तो जाएगा कॉस माइनस एक्स, और ये हमको मालूम है कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया हमारा दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 10 हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, तो देखिए ये है कॉस, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, और इसको कॉस एक्स प्लस वाई से ओपन करेंगे, और ये है कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो इसको कॉस एक्स माइनस वाई से ओपन करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या सूत्र लगाएंगे हम, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ लगाएंगे कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, और इसी प्रकार माइनस वाला भी सूत्र लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, तो ये दो सूत्र हम लगाएंगे, तो इसमें लिखते हैं पहले बायां पक्ष, ठीक ना, बायां पक्ष को हल करेंगे, तो देखिए ये लिखा है, तो लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स
और साइन वाई, ठीक ना, ये हो गया। तो ये हो गया, और फिर इसके बाद देखेंगे इसमें लगाएंगे तो लिखेंगे कॉस, इसका फॉर्मूला है ये, तो कॉस एक्स, एक्स मतलब 3π/4 और कॉस वाई, वाई मतलब एक्स, प्लस साइन एक्स मतलब 3π/4 और साइन वाई, वाई मतलब एक्स, ठीक ना। अब इसको ओपन कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस 3π/4 साइन एक्स माइनस कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स, ठीक ना। तो इससे देखिए ये चीज़ तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गई, और जो बचा देखिए एक और एक, दो बचा है ना, दो चीज़ है, एक एक दो, तो 2 sin 3π/4 साइन एक्स। तो इसको हल कर लेते हैं यहीं पर, इसको अलग से ब्रेक करने क्या करें, यहीं कर देते हैं, पाई माइनस पाई बाई फोर, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब आप दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह वही रहता है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई फोर है ना, दूसरे चतुर्थांश में है, साइन प्लस में होता है इसलिए चिन्ह कोई साइन नहीं बदलेगा, और ये साइन एक्स, इससे हो जाएगा 2। अब देखिए पाई बाई फोर का आंसर वो 1/2, और ये साइन एक्स, इस 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं करनी 2 × करनी 2, ठीक ना, इस 2 को हम लिख सकते हैं करनी 2 × 2, हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये बटे में करनी 2 लिखा हुआ है, ठीक ना, तो ये हो गया साइन एक्स, तो 1 × 2 1 × 2 कट गया, तो क्या आया माइनस करनी 2 साइन एक्स। तो देखिए हमारा दायां पक्ष आ गया, एक माइनस भी चाहिए था, माइनस देखिए यहाँ एक माइनस ही है, ठीक ना, तो इसलिए हमारा आ गया बायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, तो ये लिखेंगे दायां, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम।